एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर है 4। डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से कॉस एक्स स्क्वेयर को। नथिंग न्यू, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए एंड दैट्स इट, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वेयर है। फर्स्ट स्टेप में दोनों साइड पे इंक्रीमेंट देते हैं, यानी इधर भी इंक्रीमेंट दे दी और इधर भी इंक्रीमेंट दे दी। फिर नेक्स्ट स्टेप में y माइनस कर लेते हैं दोनों साइड से, फिर y की वैल्यू डाल देंगे जो हमें पता है cos x square है। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ करना है, हमारे पास क्या है cos alpha माइनस cos beta, और इसका फॉर्मूला हमें फर्स्ट ईयर मैथ से याद है, वो होता है माइनस 2 sin alpha प्लस बीटा ओवर 2 इंटू sin alpha माइनस बीटा ओवर 2। तो हम अल्फ़ा देख सकते हैं, है अल्फ़ा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, बीटा है एक्स का स्क्वायर, वो वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। अब इसको हम नहीं खोलते, इसको भी ऐसे ही रखते हैं क्योंकि हम डेल्टा एक्स लिमिट लगा देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। जो दूसरे वाला है इसमें हम अल्फा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं, तो वो क्या होता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी टू एक्स डेल्टा एक्स, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास वैसे का वैसे ही था, तो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स। आसानी के लिए हम डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स, और नीचे हमारे पास टू है। अब मैंने आपको कहा था कि हमें मालूम है इससे नेक्स्ट स्टेप में हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। हमने करना ये है कि जो साइन का एंगल है उससे ही साइन को डिवाइड कर देना है। वो देखते हैं कैसे। जब हम डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से दोनों साइड को, तो जो हमारी लेफ्ट साइड है वो हमारी बन जाएगी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और जो राइट साइड है उसके नीचे साइन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स ओवर टू के नीचे हम डेल्टा एक्स लिख देते हैं। अब हमने एंगल बनाना है, डेल्टा एक्स है सिर्फ, मज़ीद क्या चाहिए हमें, हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, इन डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स ओवर टू चाहिए। अपने पास से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और अपने पास से डिवाइड करेंगे, यानी अपने पास से हम 2 ओवर डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स लिखेंगे और उसे डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स ओवर टू से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम अपने पास से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने साइन के अंदर जो भी एंगल है स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं वैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट नीचे बना दी, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स ओवर टू। ये बनाने का मकसद यही है क्योंकि हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पूरा वन हो जाएगा। आगे लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा वाई डी वाई और डी एक्स बन जाएगा लेफ्ट साइड, राइट साइड पे माइनस टू था, टू आ जाएगा, साइन के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर था तो अब डेल्टा एक्स की जगह जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो एक्स का स्क्वायर ही आ जाएगा, और एक एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही था तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू, और ये जो पूरी टर्म है ये वन हो गई, और यहाँ हमारे पास बचा वन ओवर टू और उसके नीचे जीरो प्लस टू एक्स, तो जीरो को लिखते नहीं है तो ये बनेगा वन ओवर टू ओवर टू एक्स इंटू वन। अब ये जो डबल डिवीजन में है टू एक्स ये ऊपर चला जाएगा, टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ इस सारे की जगह बच जाएगा एक्स, तो माइनस टू साइन, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू टू से कैंसिल अगले स्टेप में हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।